हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के महासर्वे के बारे में, जो कि फलोदी के सट्टाबाजार ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर किया है। और उसके बाद में दिल्ली विधानसभा चुनाव का महा एग्जिट पोल हमारे सामने पेश किया है, जिसके बाद में दिल्ली के मंत्रियों के होश उड़ चुके हैं और दिल्ली के मंत्रियों में खलबली मच चुकी है, क्योंकि अब की बार जनता ने दिल्ली में टाव कर दिया, हर पार्टी को धोखा दे दिया है दिल्ली में। तो अभी हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में जनता ने अब की बार किसको मत दिया और अब की बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। तो अभी हम आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिएगा पूरा का पूरा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में आगे घंटी के निशान को भी अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, ताकि दोस्तों आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिले। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का महा एग्जिट पोल और आपको बताते हैं कि दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में नरेला सीट की, जहां पर नरेला सीट को लेकर फलोदी के सट्टाबाजार ने बहुत ही बड़ा आकलन किया है। और फलोदी के सट्टाबाजार के सर्वे पोल के अनुसार इस बार नरेला सीट पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 49% का मतदान देखने को मिल चुका है। तो वहीं कांग्रेस को यहाँ से 11% वोट मिल चुके हैं और आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से 30% वोट पड़ चुके हैं और अन्य दलों के खातों में 10% वोट पड़े हैं। और इसी कारण यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर से खिलने जा रहा है और नरेला सीट एक बार फिर से भंगवे रंग में रंगने जा रही है। यह आकलन क्या है फलोदी के सट्टाबाजार ने। और इसी कारण नरेला सीट पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है। और वही दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं बुराडी सीट की, जहां पर बताया जा रहा है कि इस बार भारत जनता पार्टी को यहां से 34% वोट मिलेंगे और कांग्रेस को 9% वोट मिलेंगे। तो वहीं आम आदमी पार्टी को यहां से 41% और अन्य दलों को 16% वोट मिलेंगे। और इसी कारण यहां पर जो है महाजंग देखने को मिलेगी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन यहां से आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। और वहीं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं तुमारपुर सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 54% वोट पड़ने की आशंका जाहिर की गई है। तो वहीं कांग्रेस के खाते में 16% वोट आते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से 27% वोट पड़ रहे हैं और अन्य दलों के खाते में यहां पर 3% वोट पड़ रहे हैं। और इसी कारण तिमारपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जा रही है। और वहीं दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं आदर्श नगर सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कमल मात्र 23% वोट लेकर जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है टक्कर देने के साथ 18% वोट लेकर जा रही है और आम आदमी पार्टी यहां 57% वोटों के साथ जीत रही है और अन्य दलों के नाम यहां पर मात्र 1% वोट हो रहा है। और वहीं दोस्तों, आगे बात करते हैं बादली होर सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 48% वोट पड़ रहा है, कांग्रेस के खाते में 7% वोट पड़ रहा है और आम आदमी पार्टी के खाते में 24% और अन्य दलों के खाते में 21% वोट पड़ रहा है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रीटाला होट सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को 29% वोट पड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को 23% वोट पड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 34% और अन्य दलों को 14%। और इसी कारण यहां पर जो है चतुष्कोणीय मुकाबला चल रहा है, लेकिन यहां पर जो है आम आदमी पार्टी का परचम भी लहरा रहा है। और वहीं दोस्तों, आगे बात करते हैं भवाना होट सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम
20% वोट हो रहे हैं कांग्रेस के नाम 31% वोट हो रहे हैं, और वहीं आम आदमी पार्टी के नाम 47% वोट हो रहे हैं। इसके अलावा निर्दलों के नाम मात्र 2% वोट हो रहे हैं। इसी कारण ये सीट आम आदमी पार्टी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मुंडिका सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 53 वोट हो रहे हैं, और वहीं दोस्तों कांग्रेस के नाम 17% वोट हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के नाम 27% और अन्य दलों के नाम 3% वोट हो रहे हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं किराड़ी सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 43% वोट हो रहे हैं, कांग्रेस के नाम यहाँ से 6% वोट हो रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के नाम यहाँ से 49% वोट हो रहे हैं, और अन्य दलों के नाम यहाँ से 2% वोट पड़ रहे हैं। और इसी कारण यह सीट आम आदमी पार्टी के कब्जे में जा रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं सुल्तानपुर सीट की, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर दिख रही है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 36% वोट हो रहे हैं और कांग्रेस के नाम 15%, तो आम आदमी पार्टी के नाम 42% और अन्य दलों के नाम 7% वोट हो रहे हैं, और ये सीट आम आदमी पार्टी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं नांगोलाई जाट सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 34% मतदान किया जा रहा है जनता के द्वारा, और वहीं दोस्तों कांग्रेस के पार्टी के खाते में 2% वोट पड़ चुके हैं, और आम आदमी पार्टी के खाते में 63% यहां से मतदान हुआ है, और अन्य दलों के नाम यहां से 1% मतदान हुआ, और ये सीट 63% के साथ आम आदमी पार्टी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मुंगोलपुरी सीट की, जो कि पूरी तरह से होट सीट बनी हुई है, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का 40% का वोट बैंक बन रहा है, और कांग्रेस का 7%, आम आदमी पार्टी का 52%, और अन्य दलों का 1% वोट बैंक यहां से बन रहा है, और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे हम बात करते हैं रोहिणी होट सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार फिर से लहरा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के नाम 67% मतदान होने की संभावना बताई गई है, और कांग्रेस के नाम 1%, आम आदमी पार्टी के नाम 31%, और अन्य दलों के नाम 1% मतदान की संभावना है। और वहीं दोस्तों शालीमार बाग होट सीट की बात करते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 42% वोट पड़ चुके हैं, और वहीं कांग्रेस के नाम 3%, आम आदमी पार्टी के नाम 54% और अन्य दलों के नाम 1%, और ये सीट जा रही है आम आदमी पार्टी के नाम। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं सकुर बस्ती और सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 51%, कांग्रेस को 2%, आम आदमी पार्टी को 46% और अन्य दलों को 1% का वोट मिल रहा है, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर दे रहा है, और लेकिन ये सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम आज के सर्वे पोल के अनुसार जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं त्रिनगर होट सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 74% मतदान हो चुका है, कांग्रेस के नाम 5%, आम आदमी पार्टी के नाम 20% और अन्य दलों के नाम 1% वोट पड़े हैं, और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के भंगवे रंग में रंगने जा रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं वजीरपुर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 56%, कांग्रेस के नाम 2%, आम आदमी पार्टी के नाम 39%, अन्य दलों के नाम 3%, और ये भी सीट भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में कर रहा है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मॉडल टाउन सीट की, जहां पर कपिल मिश्रा खड़े हैं, और यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में ला रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 60% का मतदान मिल रहा है, कांग्रेस को 4%, आपको 35% और अन्य दलों को 1% मतदान मिल रहा है। और दोस्तों आगे बात करते हैं सदर बाजार सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 45% मतदान मिल रहा है, कांग्रेस को 6% और आपको 47% और अन्य दलों को 2% मतदान मिल रहा है, और यह सीट आम आदमी पार्टी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं चांदनी चौक सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 30%, कांग्रेस के नाम 28% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 40% मतदान और अन्य दलों के नाम 2% मतदान हो रहा है, और यह सीट आम आदमी पार्टी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मटियामाल सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 34% मतदान हो रहा है, कांग्रेस के नाम 14%, आम आदमी पार्टी के नाम 47% और अन्य दलों के नाम
5 फीसदी और ये भी सीट आम आदमी पार्टी के पाले में जारी। और वही दोस्तों आगे बात करते हैं बलिमारान सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 53 फीसदी मतदान हो चुका है, कांग्रेस के नाम 3 फीसदी, आम आदमी पार्टी के नाम 41 फीसदी और अन्य दलों के नाम 3 फीसदी मतदान हुआ और ये सीट भारतीय जनता पार्टी के नाम जारी। और वही दोस्तों आगे बात करते हैं करोलबाग सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 30 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 1 फीसदी मतदान और आपके नाम 68 फीसदी मतदान हो रहा है। इसके अलावा अन्य दलों के नाम 1 फीसदी मतदान हो रहा है और ये सीट आम आदमी पार्टी आसानी से जीत रहा है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं पटेल नगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 21 फीसदी मतदान है, कांग्रेस के नाम 3 फीसदी मतदान, आपके नाम 75 फीसदी मतदान है और अन्य दलों के नाम 1 फीसदी मतदान और ये भी सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मोतीनगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 49 फीसदी मतदान है, कांग्रेस के नाम 13 फीसदी मतदान, आपके नाम 37 फीसदी मतदान है और अन्य दलों के नाम 1 फीसदी मतदान और ये सीट बीजेपी फिर से जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं माधीपुर सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 53 फीसदी मतदान है, कांग्रेस के नाम 2 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 43 फीसदी मतदान है और अन्य दलों के नाम 2 फीसदी मतदान और ये सीट बीजेपी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं राजौरी गार्डन सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 26 फीसदी मतदान है, कांग्रेस के नाम 10 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 62 फीसदी मतदान है और अन्य दलों के नाम 2 फीसदी मतदान हो रहा है और ये सीट आम आदमी पार्टी के पाले में जा रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं हरिनगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 39 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 2 फीसदी मतदान है और आपके नाम 53 फीसदी मतदान और अन्य दलों के नाम 6 फीसदी मतदान है और ये सीट फिर से जो है आम आदमी पार्टी जीत रहा है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं तिलक नगर सीट की, जहां पर बीजेपी का रंग जो है पूरी तरह से चढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि यहां पर 42 फीसदी मतदान आम आदमी पार्टी के नाम नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नाम हो रहा है, कांग्रेस के नाम 8 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम यहां से 49 फीसदी मतदान हो रहा है, अन्य दलों के नाम यहां पर 1 फीसदी का मतदान हो रहा है और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे हम बात करते हैं जनकपुरी सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 20 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 2 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 77 फीसदी मतदान और अन्य दलों के नाम 1 फीसदी मतदान और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं विकासपुरी सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 57 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 2 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 38 फीसदी मतदान और अन्य दलों के नाम 3 फीसदी मतदान और ये सीट जीत रही है बीजेपी। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं उत्तम नगर सीट की, पर बीजेपी के नाम 26 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 1 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 71 फीसदी मतदान और अन्य दलों के नाम 2 फीसदी मतदान और ये सीट आम आदमी पार्टी अपने नाम कर रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं द्वारका सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 51 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 5 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 41 फीसदी मतदान और अन्य दलों के नाम 3 फीसदी मतदान और ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मटियाला सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 46 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 9 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 49 फीसदी मतदान और अन्य दलों के नाम 2 फीसदी मतदान और ये सीट जीत रही है आम आदमी पार्टी। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं नजफगढ़ सीट की, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 37 फीसदी मतदान, कांग्रेस को 16 फीसदी मतदान, आपको 42 फीसदी मतदान और दल को 6 फीसदी मतदान और ये सीट जीत रही है आम आदमी पार्टी। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं बिजवासन सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 32 फीसदी मतदान हो रहा है, कांग्रेस के नाम 6 फीसदी मतदान हो रहा है और आम आदमी पार्टी के नाम 60 फीसदी मतदान हो रहा है और अन्य दलों के नाम 2 फीसदी मतदान हो रहा है। यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी जीत रही है और यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही है। और दोस्तों आगे बात करते हैं पालम सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 50 फीसदी मतदान है, कांग्रेस के नाम 12 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 36 फीसदी मतदान है और अन्य दलों के नाम 2 फीसदी मतदान और यह सीट जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं दिल्ली कैंट सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 38 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 6 फीसदी मतदान और आम आदमी पार्टी के नाम 54 फीसदी मतदान है और अन्य दलों के नाम 4 फीसदी मतदान और ये सीट जीत रही है आम आदमी पार्टी। और वहीं दोस्तों आगे हम बात करते हैं राजेंद्र नगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 30 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 7 फीसदी मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 65 फीसदी मतदान और अन्य दलों के नाम 8 फीसदी मतदान हो रहा है और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं नई दिल्ली सीट की, यानी अरविंद केजरीवाल की सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 24 फीसदी मतदान, कांग्रेस के नाम 3 फीसदी मतदान और आम आदमी पार्टी के नाम 71 फीसदी मतदान, अन्य दलों के नाम 2 फीसदी मतदान और ये सीट अरविंद केजरीवाल निकाल रहे हैं।
वही दोस्तों आगे बात करते हैं जंगपुरा सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 38% मतदान, कांग्रेस के नाम 8% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 50% मतदान, अन्य दलों के नाम 4% मतदान है और यहां पर भी आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कस्तूरबा नगर सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 41% मतदान, कांग्रेस के नाम 6% मतदान है और आम आदमी पार्टी के नाम 48% मतदान और अन्य दलों के नाम 5% मतदान है और यह सीट भी केजरीवाल की पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मालवीय नगर सीट की, जहां पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर चल रही है, जहां पर बीजेपी के नाम 43% मतदान, कांग्रेस के नाम 9% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 45% मतदान, अन्य दलों के नाम 3% मतदान और यहां पर भी केजरीवाल की पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं आरकेपुरम सीट की, जहां पर केसरिया रंग को 53% मतदान, कांग्रेस को 9% मतदान, आम आदमी पार्टी को 37% मतदान और अन्य दलों को 1% यहां पर जो है वोट। और दोस्तों इस प्रकार से यह सीट भी जो है बीजेपी के नाम हो रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मारोली सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 47% मतदान, कांग्रेस के नाम 19% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 30% मतदान, अन्य दलों के नाम 4% मतदान और यह सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं छतरपुर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 52% मतदान, कांग्रेस के नाम 21% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 25% मतदान, अन्य दलों के नाम 2% मतदान और यह सीट बीजेपी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं देवली सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 70% मतदान, कांग्रेस के नाम 3% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 21% मतदान और अन्य दलों के नाम 1% मतदान हो रहा है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं अंबेडकर नगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 22% मतदान, कांग्रेस के नाम 7% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 39% मतदान और अन्य दलों के नाम 32% मतदान हो रहा है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं संगम विहार और सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 42% मतदान, कांग्रेस के नाम 13% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 37% मतदान, अन्य दलों के नाम 8% मतदान हो रहा है, ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं ग्रेटर कैलाश सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 37% मतदान, कांग्रेस के नाम 13% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 49% मतदान, अन्य दलों के नाम 1% मतदान और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कालकाजी सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 39% मतदान, कांग्रेस के नाम 7% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम जो है 51% मतदान, अन्य दलों के नाम 3% मतदान और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं तुगलकाबाद सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 46% मतदान, कांग्रेस के नाम 4% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 49% मतदान, अन्य दलों के नाम 1% मतदान और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं बदरपुर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 41% मतदान, कांग्रेस के नाम 12% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 36% मतदान, त्रिलोकपुरी सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 67% मतदान, कांग्रेस के नाम 2% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 20% मतदान और अन्य दलों के नाम 1% मतदान हो रहा है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी अपने नाम कर रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कोंडली सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 53% मतदान, कांग्रेस के नाम 8% मतदान और आम आदमी पार्टी के नाम 35% मतदान, अन्य दलों के नाम 4% मतदान हो रहा है और ये सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं पटपटगंज सीट की, जहां पर मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं चुनाव और दोस्तों यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 32% मतदान हो रहा है, कांग्रेस के नाम जो है 9% मतदान हो रहा है, आम आदमी पार्टी के खाते में 58% मतदान हो रहा है, अन्य दलों के नाम 1% मतदान हो रहा है और यहां पर आपका परचम लहरा रहा है। और दोस्तों आगे बात करते हैं लक्ष्मी नगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 39% मतदान, कांग्रेस के नाम 11% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 46% मतदान और अन्य दलों के नाम 4% मतदान हो रहा है और यह सीट भी आम आदमी पार्टी के पाले में जा रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं विश्वास नगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 38% मतदान, कांग्रेस के नाम 8% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 53% मतदान और अन्य दलों के नाम 1% मतदान हो रहा है और यह सीट जो है आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं कृष्णा नगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 22% मतदान, कांग्रेस के नाम 39% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 32% मतदान हो रहा है और अन्य दलों के नाम 4% मतदान हो रहा है। यह सीट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दे रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां से सीट निकाल रहा है।
और वही दोस्तों आगे बात करते हैं गांधीनगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 38% मतदान, कांग्रेस के नाम 28% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 21% मतदान है और अन्य दलों के नाम 13% मतदान हो रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और वही दोस्तों आगे बात करते हैं शाहदरा सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नाम 53% मतदान, कांग्रेस के नाम 7% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 28% मतदान, अन्य दलों के नाम 12% मतदान है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और वही दोस्तों आगे बात करते हैं सिंहपुर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 40% मतदान, कांग्रेस के नाम 5% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 52% मतदान, अन्य दलों के नाम 3% मतदान हो रहा है और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं रोहतास नगर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 55% मतदान, कांग्रेस के नाम 3% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 38% मतदान, अन्य दलों के नाम 4% मतदान और ये सीट बीजेपी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं सीलमपुर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 32% मतदान, कांग्रेस के नाम 9% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 54% मतदान, अन्य दलों के नाम 5% मतदान और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं गोंडा सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 38% मतदान, कांग्रेस के नाम 8% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 48% मतदान, अन्य दलों के नाम 4% मतदान और ये सीट आम आदमी पार्टी जीत रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं बाबरपुर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 43% मतदान, कांग्रेस के नाम 5% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 51% मतदान और अन्य दलों के नाम 1% मतदान हो रहा है, ये सीट आम आदमी पार्टी अपने नाम कर रही है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं गोकलपुर सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 29% मतदान, कांग्रेस के नाम 14% मतदान है, आम आदमी पार्टी के नाम 56% मतदान, अन्य दलों के नाम 1% मतदान और ये सीट आम आदमी पार्टी अपने पाले में डाल रहा है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं मुस्तफाबाद सीट की, जहां पर बीजेपी के नाम 50% मतदान, कांग्रेस के नाम 24% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 22% मतदान, अन्य दलों के नाम 4% मतदान हो रहा है। और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं अपने अंतिम सीट की करावल नगर की, जहां पर बीजेपी के नाम 65% मतदान, कांग्रेस के नाम 26% मतदान, आम आदमी पार्टी के नाम 6% मतदान, अन्य दलों के नाम 3% मतदान है और ये सीट बीजेपी जीत रही है। और दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा का पूरा 70 सीटों का सबसे बड़ा महा एग्जिट पोल था फलौदी के सट्टा बाजार के आकलन के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दिल्ली विधानसभा चुनाव का महासर्वे पोल निकल के सामने आ चुका था, जिसके बाद में रातों रात सियासी समीकरण बदल चुके हैं और हर पार्टी को जनता ने बहुत ही बड़ा धोखा दे दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये दिल्ली विधानसभा चुनाव का महासर्वे पोल था। तो यदि आपको ये सर्वे पोल अच्छा लगाए तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।